राहुल गांधी तेज तेज नाव खेते हुए नाव की रेस में तो आगे बढ़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ पे तेज तेज़ कदमों के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन एक दौड़ उनकी अपनी पार्टी में चल रही है और इस दौड़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता यह वही दौड़ है जिसकी वजह से उनके बहुत ख़ास और करीबी रहे लोग उनके खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन्हें गांधी परिवार का बहुत ही करीबी माना जाता था गुलाम नबी आज़ाद कपिल सिब्बल आनंद शर्मा मनीष तिवारी शशि थरूर ये सभी गांधी परिवार के लिए बहुत लॉयल रहे और बड़ी ताकत के साथ में हर मुश्किल समय में हर मुश्किल दौर में गांधी परिवार के साथ और कांग्रेस के साथ खड़े रहे एक एक करके ये पिलर बिखरते दिखाई दे रहे हैं कुछ पूरी तरह से पार्टी को छोड़ चुके हैं तो कुछ पार्टी के अंदरूनी घमासान की वजह से खासे चर्चा में बने हुए हैं एक और महत्वपूर्ण नाम है शशि थरूर का शशि थरूर एक ऐसा नाम है जिन्हें राजनीति में लाने का श्रेय राजनीति में आज उनको जो भी कुछ मिला है उसका श्रेय इसी गांधी परिवार को जाता है लिहाजा गांधी परिवार के प्रति उनका समर्पण बड़ा लाजमी है कई ऐसे चेहरे रहे हैं जो बहुत पहले से जुड़े रहे और जिस समय पर सोनिया गांधी भी नहीं थी या कांग्रेस एक ऐसे दौर से गुजर रही थी राजीव गांधी की हत्या के बाद जब पूरी तरह से बिखराव देखने को मिल रहा था इस दौर को हमेशा याद किया जाता है ये दौर था सीताराम केसरी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का और पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने का गैर गांधी परिवार का कांग्रेसी अध्यक्ष ये प्रयोग कांग्रेस को बहुत हद तक भारी पड़ा इसकी बहुत बड़ी वजह ये नहीं थी कि राजनीतिक रूप से जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा अंदरूनी घमासान नेताओं को साथ में जोड़े रखना ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है जैसे ही साथ का कोई दूसरा नेता अध्यक्ष पद पर आसीन होता है उसके बाद में बहुत ज़बरदस्त टूट फूट पार्टी में शुरू हो जाती है कांग्रेस इस बात को जानती है कि गैर गांधी परिवार का कोई सदस्य अगर अध्यक्ष बनता है तो एक बार फिर उस स्थिति से गुजरना पड़ सकता है लेकिन राहुल गांधी अभी इसके लिए तैयार नहीं है राहुल गांधी ने खुद अध्यक्ष पद को छोड़ा था उन्होंने इसके बाद अध्यक्ष पद को स्वीकार ही नहीं किया दो की हार के बाद से लेकर अभी तक उनको मनाने के कई प्रयास किए गए और मजबूरी में अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा सोनिया गांधी को सोनिया गांधी अस्वस्थ भी हैं लेकिन बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने बहुत लंबा समय देखा है दो तो कार्यकाल देख लिए यूपीए वन यूपीए टू के और उसके बाद में दो कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरान भी वो लगातार कांग्रेस की धुरी बनी रही लेकिन अब वो समय आ गया है जब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही है और इसमें बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अब 2014 और 2019 के प्रयोगों से हटकर राहुल गांधी के इतर किसी चेहरे के साथ में चुनाव लड़ा जाए वो चेहरा कौन हो सकता है कौन सा चेहरा आज प्रधानमंत्री मोदी के एकदम समकक्ष आकर खड़ा हो सकता है? क्या ममता बनर्जी नीतीश कुमार जिस तरह से या अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपनी ताल को ठोक रहे हैं कांग्रेस में वैसा एक भी चेहरा बाकी है गौर से सोचें तो जवाब मिलता है नहीं ऐसा कोई चेहरा दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता अलबत्ता अगर हम मुख्यमंत्री के मुकाबले मुख्यमंत्री या फिर किसी राज्य की बड़ी ताकत को देखते हैं क्योंकि खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तब भी कहा जाता था कि वो प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ सकते हैं और उन्होंने खुद को साबित करके भी दिखाया कई ऐसे और चेहरे रहे हैं जिनको लेकर चर्चा होती रही शिवराज सिंह चौहान एक समय चर्चा में आए थे लेकिन फिर धीरे धीरे वो किनारे हो गए अब तो उनकी राज्य की राजनीति भी जो है वो धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है हालांकि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये चर्चा का अलग विषय इस पर अलग से रिपोर्ट बन सकती है लेकिन कमलनाथ और अशोक गहलोत ये दो ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के इस बुरे हाल में भी अपनी राजनीति को और अपने राज्यों को बरकरार रखने में यहाँ की राजनीति को परवान चढ़ाने में कामयाब हुए हैं इनके अंदर संगठन को मजबूत बनाए रखने की एक जबरदस्त ताकत है कमलनाथ ने जमीन पर खुद को साबित किया है उनकी रणनीति ने काम किया अशोक गहलोत भी कुछ इसी तरह के जादूगर हैं अशोक गहलोत बेशक अंदरूनी राजनीति से भी जूझते हैं पार्टी की कमजोरी से भी जूझ रहे हैं साथ ही साथ में आगामी चुनाव में उनको दोबारा मैदान में उतरना ऐसी सारी चुनौतियों के बीच में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी राजनीति को बचाए रखा है और वो अभी राजस्थान पर ध्यान देना चाहते हैं वहीं दूसरा नाम कमलनाथ का है उन्होंने भी स्पष्टता कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कह दिया कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति को मजबूत करेंगे क्योंकि आगामी समय में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में भी होना है पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था इस बात को नहीं भूलना चाहिए और बेशक अब उनकी सरकार गिर चुकी है और बीच में ही शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए लेकिन इसकी बड़ी वजह रही कि संगठन में ही फूट हुई आपसी मतभेदों के कारण यह बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था अन्यथा कमलनाथ की यह सरकार चलती रहती है कई प्रयोग किए गए हैं लेकिन अगर बड़े चेहरों की बात करें तो ले देके अब इक्का दुक्का चेहरा सामने आते हैं शशि थरूर ने एक बड़ी बात कह दी कि मैं अध्यक्ष पद पर बैठने को तैयार हूं लेकिन एक क्षण अब ये एक शर्त सिर्फ शशि थरूर की नहीं है ये उन तमाम लोगों की शर्त होगी जो गांधी परिवार के करीबी और इस शर्त से ही आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की कवायद तेज हो चुकी है शशि थरूर ने कहा है कि मैं तैयार हूं कि मैं अध्यक्ष पद पर बैठ जाऊं लेकिन तब जब राहुल गांधी की इसमें सहमति हो तब राहुल गांधी जिसको कहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा ये बड़ा सवाल है अब क्या यह प्रयोग सफल सिद्ध हो सकता है हो सकता है सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया उन पर रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री होने के कई बार आरोप लगते रहे विपक्ष के पास ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था सोनिया गांधी को सुपर पीएम कहा जाता था अल्टीमेटली चेहरा अलग होता है और राजनीति में अध्यक्ष पद या पार्टीगत फैसले लेने के लिए कोई अन्य चेहरा बैठाया जा सकता है इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है उदाहरण के लिए गुजरात में सी बदलते गए लेकिन क्या गुजरात में रूपाणी या पटेल या किसी अन्य के चेहरे पर चुनाव होता है या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव होता है चेहरे मजबूत भी होते हैं योगी आदित्यनाथ के विषय में एक रिपोर्ट में मैंने जिक्र किया है कि यदि चेहरा मजबूत है राज्य में या जैसे ममता बनर्जी हैं अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल गुजरात में इसी चुनौती को झेल रहे हैं उनके पास गुजरात में कोई चेहरा नहीं है पंजाब में बेशक उन्होंने भगवंत मान को सामने रखा था लेकिन एक वक्त ये आवाज उठ रही थी कि क्या आप दिल्ली छोड़कर पंजाब के मुख्यमंत्री बनने को तैयार होंगे अरविंद केजरीवाल अब सवाल गुजरात में उठ रहा है कि क्या केजरीवाल गुजरात में मुख्यमंत्री बन सकते हैं ये सवाल अलग है लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पेज जो फंसा हुआ है जो सीधे सीधे कांग्रेस के भविष्य से जुड़ा होता है वो ये है कि चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है क्या किसी और को अध्यक्ष पद पर बैठाकर राहुल गांधी के चेहरे पर काम किया जाए प्रयोग हो सकता है ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार गैर गांधी परिवार का कोई चेहरा आपको कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठा दिखाई दे और यह रणनीति कोई गलत रणनीति भी नहीं दिखाई देती है लेकिन इसके दोनों पहलू हैं अगर सांगठनिक तौर पर कांग्रेस को मजबूत बनाए रखना है तो गांधी परिवार उसकी धुरी रहता है कई सारे नेताओं को साथ में जोड़े रखने के लिए गांधी परिवार का शीर्ष पद पर बैठे रहना जरूरी होता है लिहाजा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बार फिर राहुल गांधी पर ही दांव खेला जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उनको जो मिला है उससे उन्हें यह समझ में आ गया है कि जनता के बीच जाने जनता से संवाद करने और यात्राएं निकालने का कितना जबरदस्त फायदा होता है छोटे छोटे मोमेंट्स उन्हें चर्चा में बनाए हुए हैं जब से उनकी यात्रा निकली है हल्ला बोल रैली हो या उसके बाद में कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हो राहुल गांधी लगातार चर्चा में बने हुए हैं और यह किसी सफलता से कम नहीं है ऐसे में बेशक तंज के लहजे में कहा गया बाबा रामदेव का वो कमेंट हमेशा याद रखना चाहिए कि जिनको मीडिया पूछ नहीं रहा था वो चर्चा में बने हुए आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आप चर्चा में बने रहें, तो आप चर्चा में बने रहते हैं राहुल गांधी इस वक्त वैसा काम कर रहे हैं तो क्या राहुल गांधी सिर्फ नाव खेते हुए नाव की रेस नहीं जीत रहे हैं बल्कि अध्यक्ष पद की दौड़ में और पार्टी को संभालने की दौड़ में भी अपने कैंडिडेचर को मजबूत कर रहे हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात इस लड़ाई को जीत कर वो एक संकेत तो दे ही देंगे कि देश की सबसे पुरानी और अब हाल के दौर में भी देखें अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस कमजोर हो गई है लेकिन यूं देखें कार्यकर्ताओं के लिहाज से देखें और पूरे देश में पकड़ के लिहाज से देखें तो कांग्रेस आज भी बड़ी ताकत दिखाई पड़ती है जिसको क्षेत्रीय दलों की तरह आप किसी एक राज्य में सीमित नहीं पाएंगे ममता बनर्जी बड़ा चेहरा है पश्चिम बंगाल के बाहर का है अरविंद केजरीवाल बड़ा चेहरा है और धीरे धीरे इन सब क्षेत्रीय दलों में अरविंद केजरीवाल ज्यादा बेहतर करते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पंजाब के बाद अब वो गुजरात और हरियाणा में भी उसी अंदाज में चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं लेकिन आप देखेंगे कि ये काम ना तो नीतीश कुमार कर पाते हैं ना समाजवादी पार्टी जिसने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात और कई अन्य जगहों पर भी अपनी दावेदारी और कुछ कुछ हद तक सफलता भी मिली बहुजन समाज पार्टी का भी यही रहा किस्सा लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली कि किसी राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन को खड़ा कर पाए अरविंद केजरीवाल वो काम कर पाए उनके अलावा अगर अन्य क्षेत्रीय दलों को देखा जाए तो वो सभी अपने राज्यों में सीमित हैं लिहाजा कांग्रेस आज भी विपक्षी मोर्चे के लिए सबसे बड़ा एक ध्रुव हो सकता है केंद्र हो सकता है जिसके इर्द गिर्द किसी मोर्चे को तैयार किया जाए ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राहुल गांधी का एक बार फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनना इस बात को भी तय करेगा कि आगामी चुनाव में वही विपक्ष का चेहरा होंगे और प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष खड़े होंगे अब पहले सवाल पर आते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष कोई चेहरा दिखाई देता है बीजेपी की आईटी सेल ने या बीजेपी ने जब जब भी प्रहार किया है तो किस पर किया है राहुल गांधी पर किया है क्योंकि बीजेपी खुद ही अपने सबसे बड़े अपोनेंट के तौर पर राहुल गांधी को देखती है वो शशि थरूर पर मनीष तिवारी पर कपिल सिब्बल पर या किसी भी अन्य पर हमला करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि राहुल गांधी का जो कद इस प्रचार और दुष्प्रचार के बीच बन गया है वो कांग्रेस में किसी का कद दिखाई नहीं देता है इसीलिए ये कांग्रेस का एक इन्वेस्टमेंट भी कांग्रेस मान के चल रही इतना जो लंबा समय बीता है अब देखना होगा इसका रिटर्न क्या आगे आने वाले चुनाव में मिल सकता है क्या भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हो पाती है और क्या राहुल गांधी दोबारा 2014-2019 की दो बड़ी हारों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में टक्कर दे पाते हैं सवाल है आपको क्या लगता है आप अपना जवाब जरूर लिखें डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और खबरें लगातार अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें